मेरे वहाँ पे अपने ही मोहल्ले में सुबह एक बच्चा जो है अपने माल मवेशी के हमरा उन्हें घास चराने ले जा रहा था, अचानक उस पर वहाँ पे टाइगर ने जो है अटैक कर दिया है। तो थोड़ी सी दूरी पर दो बच्चे और, वो भी छोटे ही थे, वो देख रहे थे, उन्होंने शोर मचाया। जब तक मोहल्ले के लोग आते तो ये बच्चा जो है बुरी तरह ज़ख्मी हो चुका है। आपने देखा उसके सर हेड इंजरी है, उसकी सर में बहुत सारी चोट लगी हुई है, दोनों टांगों में और दोनों हाथ जो है उसकी बुरी तरह ज़ख्मी है। यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसकी फर्स्ट एड वगैरह जो भी यहाँ से हो सका इन्होंने बड़ी मेहनत की, और उसके बाद अब उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँच के लिए जो है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया है। आपके माध्यम से मैं गुजारिश करूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और बिलखसूस हमारी यूटी गवर्नमेंट से कि आए दिन ऐसे हादसा जो हैं बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं। वाइल्ड लाइफ महकमे में स्टाफ की कमी की वजह से ये ज़्यादातर मामले जो हैं सामने आ रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वाइल्ड लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है शामिल किया जाए, और जहाँ पे भी इंसानी बस्तियाँ हैं, गांव हैं, शहर हैं, वहाँ से इन जानवरों को निकाल के जो है जंगलों की तरफ किया जाए ताकि इंसानी जानों का तहफ़ुज़ हो, और इन गरीबों को जिनके पास इस वक्त दो वक्त के खाने की रोटी तक नहीं है, इनके जो ये बच्चे या कोई भी जो ज़ख्मी होते हैं इनको सरकार की तरफ से जो है फौरी इमदाद मिलनी चाहिए। क्या है, इसकी एज होगी कोई 12 से 14 साल। इसका नाम मोहम्मद इसहाक साना वली मोहम्मद है, ये बिदार का रहने वाला है। तो ये सुबह यहाँ पर इसको 8:30 लाया है, इसको लेसरेटेड वाउंड है सर पे भी और राइट लोअर लिम पे भी और राइट हैंड पे भी। तो इसको कोई लाइन ने वहाँ पे बाइट किया है, उसके बाद इस दिन लाया है। तो यहाँ हमने इसको कंजर्वेटिवली मैनेज करके तो इसको हम सर्जिकल कंसल्टेशन के लिए पूंछ भेज रहे हैं। तो अदरवाइज पेशेंट जो है स्टेबल है, सिर्फ सर्जिकल कंसल्टेशन के लिए इसको भेज रहे हैं हम पूंछ। CBSE एफिलेटेड KLM इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट, पहली से 12वीं तक का दाखिला शुरू, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पैकेज का सुनहरी मौका। 9216504779 KLM इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट।